खबर मध्य प्रदेश से है और एक गजब के जज्बा रखने वाले एक इंसान के है। समाज सेवा यदि अपना से हम कहिए तो अपना सोचब कि समाज सेवा बिना पैसा के नहीं की जा सके, मगर केहू के अंदर यदि जज्बा हो तो समाज सेवा नहीं वो पता नहीं का देश हित मा कह सकत है। कुछ हुनर है वह दे के अपन समाज सेवा कर सकत है। ऐसा एक समाज सेवी के खबर लेके आए हैं जेके बारे में अपना जान के खुद यह कह कि वाह भाई वाह, क्या जबरदस्त आदमी। कहे कि एक व्यक्ति है जे बाल काटे के काम करते हैं, लेकिन उस समाज सेवा के रूप में गांव-गांव जाते हैं, गरीबन के लगे उनके बच्चन के और गरीबन के मुफ्त में बाल काटते हैं। ऐसे एक व्यक्ति जो मतलब हेयर सैलून तो चलावत है लेकिन समाज सेवा करत है, उनके समाज सेवा के हर को मुरीद है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री मंत्री सब मुरीद है। पूरी खबर लेके आए हैं विंध्य क्षेत्र के, ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा। हम कनीष तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद अच्छी खबर के, जहाँ अपना पंचक बता दी कि मध्य प्रदेश के हरसूद के हेयर सैलून संचालक संतोष सेन मत जो है जनसेवा के गजब के जज्बा है। वो गांव-गांव जाए के गरीबों बच्चन के फ्री में कटिंग करत है। रोजाना सुबह उठे के बाद घर से निकल पड़त है और दूरस्थ गांव में जाए के बच्चन का साफ सुथरा रहे के फायदा बतावत है। इसके अलावा गंदगी से होए वाली बीमारी के बारे में समझावत है। अपना बच्चे बता दी कि संतोष सेन बतावा थे कि कुछ लोग आर्थिक कारणों की वजह से बच्चन के बाल की कटिंग नहीं करवा पावे, स्वच्छता के अभाव में कई बच्चा बीमारी के चपेट में आ जाते, गरीब बच्चन के ऐसा दशा देख के उनका कष्ट होते है। एक बात मन में विचार आवा कि खुदे गांव-गांव जाए के गरीब बच्चन के फ्री में कटिंग करब। बतावा थे भले गरीब के आर्थिक मदद नहीं कर पाई लेकिन कोनो न कोनो रूप में मदद कर के उनके दिल का सुकून मिलत है। अपना बच्चे बता दी क्षेत्रीय विधायक काबीना मंत्री कुंवर विजय साय के द्वारा कहा गया कि एक सच्चा इंसान वह है जो दूसरे की मदद करे। संतोष के तरफ सबे का कोनो न कोने तरह से मदद करे चाहिए। संतोष सेन के प्रयास अनुकरणीय और सराहनीय है। ई गांव वालन के अलावा हरसूद से सटे डोट खेड़ा गांव के अलावा गिट्टी खदान में काम करे वाले मजदूरन का बच्चन का फ्री में कटिंग जो है बाल के करत है। तो यहीं समाज सेवी देश से भी जे निस्वार्थ रूप से जिनके लगे बेचारे के लिए पैसा नहीं आए तब वो समाज सेवा कह रहे हैं। उनका मालूम है कि उनके हाथ में जो हुनर है वह हुनर से उन समाज सेवा कह सकते हैं। तैया में लोगन का हम दिल से सलाम करी थे। एमपी संदेश न्यूज 24 ऐसा लोगन का प्रणाम करत है और इनका यह कहत है कि नहाता बार न टूटे। कहे कि ऐसा लोग यदि समाज बने ही तो निश्चित तौर पर यह समाज कबो खत्म न हुई, मानवता खत्म न हुई, इंसानियत खत्म न हुई। यहाँ आज के समय में लोग पैसा खेतर सब बेच देते हैं, इज्जत मान मर्यादा ईमान सब बेच देते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं संतोष जैसा जे अपने आप जो है इनके अंदर भाव पैदा भें, पीड़ा दिखान और वह पीड़ा का दूर करें, निकल पड़े मोटरसाइकिल लेके लोगन की सेवा करते हैं, खुद अच्छा लागत है और उनका गरीबन के आशीर्वाद मिलत है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम।